सोमवार को 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन जल संसाधन एवं गंगा सफाई अभियान राज्य मंत्री प्रोफेसर सांवरलाल जाट के द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस एम के नकवी, पुष्प विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एस एस सिंधु, निदेशक IHITC डॉक्टर आर एस दहिया, पीसागन पंचायत समिति प्रधान दिलीप पचार और अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बलराज सिंह भी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों से लगभग 2500 किसान मौजूद रहे। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सांवरलाल जाट ने किसानों को लाभप्रद बीजीय मसालों की खेती के द्वारा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सक्रिय योगदान प्रदान करने का आह्वान किया। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर सिंचाई जल के समुचित उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने वर्तमान परिपेक्ष में जैविक खेती के साथ साथ मसालों के निर्यात में वृद्धि के प्रयास पर जोर दिया और कार्यक्रम की सफलता की कामना के साथ संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों की प्रशंसा की। पीसागन पंचायत समिति के प्रधान दिलीप पचार ने क्षेत्रीय कृषकों के सब्जी, फूल और दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त बीजीय मसाला फसलों, विशेषकर धनिया, मेथी और जीरे की फसल को फायदेमंद बताया और इस संस्थान पर किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर के निदेशक डॉक्टर एस एम के नकवी ने भेड़ पालन को भी अपने व्यवसाय में सम्मिलित करने की बात कही। प्रगतिशील किसानों को इस अवसर पर पुस्तिका एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों की समस्याओं का निस्तारण विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया। इस मेले का प्रमुख आकर्षण किसानों की समस्याओं का विषय विशेषज्ञों, अनुभवी वैज्ञानिकों के द्वारा तुरंत समाधान प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ विशेष तौर पर आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा किसान संगोष्ठी के माध्यम से कृषक भाइयों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। बीज किसान मेला एवं ये जो कृषक महोत्सव है, ये 3 दिन तक चलेगा और हमारा प्रयास है किसानों को नई नई उन्नत प्रजातियों के बीज, उनको अच्छी उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी, जैव नियंत्रण, जैविक खेती और हर किस्म की जानकारी किसानों को देने का प्रयास रहेगा। और हम लगातार किसानों से 6 से 8 घंटा बात करेंगे और पूरा हमारा विश्वास है कि किसान यहाँ से अकेले बीज मसाला फसलों में नहीं, बागवानी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी जानकारी लेके जाएंगे। सब हमने सारा वो लगाया हुआ है किसानों के लिए, डेमोस्ट्रेशन लगे हुए हैं, वो भी देख के जाएंगे और बीज सब उपलब्ध है, जैविक नियंत्रण के उत्पाद भी वो सब मौजूद है हमारे पास। वैज्ञानिक पूसा संस्थान से आए हैं, नई दिल्ली से, दूसरे कृषि विश्वविद्यालयों से आए हैं और वो भी किसानों को लगातार जानकारी दे रहे हैं।